नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खास मुलाकात के इस स्पेशल सेगमेंट में। हालांकि जिस तरीके से ईएचपी को लेकर बार बार जिक्र चल रही है, तो ऐसे में इस वक्त हमारे साथ देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के संस्थापक फाउंडर और इसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के टीम डॉक्टर अजय हालिया साहब। सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार। 21 मार्च का दिन ऐतिहासिक टर्न रहा, हालांकि आज जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं 22 मार्च का दिन है। नए नए डॉक्टर से मिलना, एक नए प्लेटफॉर्म को तैयार करना, और मकसद वही कि ईएचपी की जो एक बड़ी जो एक सफलता कह ले या फिर जो जरूरत कह ले चिकित्सा पद्धति में। सो ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है, किस तरह की रणनीति तैयार हो रही है, और जो सेमिनार का जो आयोजन रहा उसकी अगर मेन मुद्दे की बात की जाए, उद्देश्य की बात की जाए, और जो जरूरत है इस सेमिनार की कैसे दिखी, क्या कुछ दिख रही है और क्या कुछ आगे करने की जरूरत है? मैं ये कहना चाहूंगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एनआईएच की जो स्थापना इसी उद्देश्य के लिए की गई है कि जो इस समय जो इलेक्ट्रोपैथी का सिनेरियो चल रहा है इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक इंटर डिपार्टमेंट कमेटी बनाई है, और उस कमेटी का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता के लिए वो उन्होंने क्वेश्चन अराइज किए हैं, उसका हम लोग आईडीसी में हम लोग एज ए प्रोबलिस्ट वहां पे हम लोग फेस भी कर रहे हैं। अभी आईडीसी ने जो 11 जनवरी के मिनट सभी आए हैं उसमें उन्होंने पूरा जो जोर दिया है, उन्होंने इविडेंस देने की बात की कि आपने अभी तक इतने 125 सालों में जो काम किया है उसका क्लिनिकल इविडेंस हमें नहीं मिल रहा है, तो आप हमें क्लिनिकल इविडेंस दें। आप सब लोग वाकिफ हैं कि देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल जो काम कर रहा है कैंसर के ऊपर, जो पूरे देश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और तड़पते हुए आते हैं, मेटास्टेटिस वाले केस आ रहे हैं और यहाँ से हंसी खुशी यहाँ से होके जा रहे हैं, ठीक होके जा रहे हैं, तो इसी को हमने काम आगे बढ़ाते हुए हमने हमारे हिंदुस्तान के जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक हैं वो पिछले एक साल से देख रहे हैं कि वो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, और इसी उद्देश्य को लेकर हमने एनआईएच का हमने एक सेमिनार का आयोजन किया था कि ऐसे जो डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ एसोसिएट होकर हमारे साथ कोलैबोरेशन करके वो अपने क्षेत्र में भी जो काम देवी अहिल्या हॉस्पिटल कर रहा है वैसे ही काम वो भी वहां कर सके, इसी उद्देश्य के लिए हमने ये एक सेमिनार का आयोजन किया था। सो अगर सेमिनार के प्रस्पेक्टिव में अगर फिर से चीजें समझी जाए, क्योंकि बहुत से व्यूअर हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी जब शब्द सुनते हैं तो उनके जहन में कई चीजें चल रही है, और इंदौर की अगर बात करें या फिर भारत की बात करें तो कैंसर को लेकर इंदौर में जो देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल है एक सेंटर पॉइंट या सेंटर इमेज मेकिंग का काम कर रहा है। सेमिनार की जरूरत एक अवेयरनेस के प्रस्पेक्टिव से आपको लग रही है, या फिर ईएचपी के जो डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसके जरिए वो अपनी इमेज को और डेवलप कर सके और फिर गवर्नमेंट तक पहुंची जाए, आखिर ये रास्ता या प्रोसेस क्या हो सकता है? देखिए, सेमिनार की आवश्यकता हमें इसलिए लगी है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो पूरे देश में इलेक्ट्रोपैथी के लिए काम कर रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जो मेडिसिन जो यूज कर रहे हैं वो मेडिसिन अलग अलग कंपनियां बना रही हैं, और कोई कंपनी की मेडिसिन 10% काम करती है, किसी की 20% काम करती है, मतलब वो जो रिजल्ट ले रहे हैं वो रिजल्ट में उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है कि पेशेंट आता है 15 दिन उनके पास रहता है, उसके बाद में कहीं और वो पेशेंट किसी अन्य डॉक्टर के पास चले जाता है, कहीं कहीं और पैथी में चले जाता है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी के अंदर हर डिसीज का इलाज है, तो हम उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देके और क्वालिटी मेडिसिन यदि हम उनको प्रोवाइड कर देंगे तो वो अपने क्षेत्र में जाके बहुत ही अच्छा काम करेंगे, और ऐसी बीमारियां जो ड्रेडफुल डिसीज हैं जो एलोपैथी के अंदर अनक्योरेबल होती हैं उन बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं, तो वही एक क्लिनिकल डाटा के रूप में हमें मिल जाएगी और वही चीज हम गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे। एग्जैक्टली। और अगर मैं जिक्र करूं, एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है जब सेमिनार हम कर लेते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो मिशन था वो सेमिनार के पहले अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए लोगों के बीच शेयर किए थे। जब सेमिनार कंप्लीट हुआ तो किस तरह के रिस्पॉन्सेज आपको लगे, बिकॉज आपका जो फीडबैक है वो उन लोगों के लिए मायने रखेगी जो खासकर इस सेमिनार का हिस्सा हुए। देखिए, हमारे इलेक्ट्रोपैथी के जो डॉक्टर जो हमारे गुजरात से, महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से जो डॉक्टर्स यहाँ पे आए और उन्होंने जो इस संस्थान का दौरा किया, कल मॉर्निंग उन्होंने देवी अहिल्या हॉस्पिटल का दौरा किया और उन्होंने देखा कि पूरे देश से इस समय नोट स्टेट के मरीज देवी अहिल्या हॉस्पिटल में भर्ती है, वो देखा कि मात्र 24 घंटे और 48 घंटे में मरीज किस प्रकार से तड़पते हुए आए हैं और कितना अच्छा आराम दे रहे हैं, इतना अच्छा फीडबैक उन्होंने देखा।
इसके बाद उन्होंने जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोफिजी का दौरा किया, जो उन्होंने देखा कि एक 5 एकड़ क्षेत्र में एक व्यूस मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, जहां पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, मैथमेटिका सभी डिपार्टमेंट फॉर्म है। साथ में वहां 100 बेडेड हॉस्पिटल भी है, जो कि एक मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यक होता है, वो भी हमने वहां बनाया है। उसमें भी सभी सुविधा वहां मौजूद, जो एलोपैथी में होना चाहिए वहां पे पैथोलॉजी, सोनोग्राफी से लेकर एक्सरे से लेकर सभी जो चीजें आवश्यक होती है वहां हमने डेवलप की हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो डॉक्टर्स हैं वो जब वहां पे ट्रेनिंग लेंगे, और एक तो वो उनको क्लिनिकल ट्रेनिंग जब मिल जाएगी तो अपने क्षेत्र में जाके बहुत अच्छे से वो कार्य कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के लिए हमने सेमिनार किया था, और सभी चिकित्सकों में इतनी अधिक उत्सुकता रही कि सभी के सब जो है वो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट लेने के लिए तैयार है। तो ये हमें इस सेमिनार का जो मूल उद्देश्य था वो हमें बहुत कुछ 100% सफल होता दिख रहा है। ओके, और अब मैं कुछ सवाल और ले लेते हैं सेमिनार से रिलेटेड। जिस तरीके से हम पहलू दर पहलू बात करें, सेशन दर सेशन बात करें, कई बातों का जिक्र हुआ। मैं खुद उस सेमिनार में मौजूद था और अपने व्यूअर से शेयर करना चाहूंगा। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के जरिए लगभग जो 1 साल की जो सफर थी, उस 1 साल के सफर को क्लिनिकल डेटा के रूप में वहां पे एक सेशन खासतौर पे आयोजित किया गया था, जिस सेशन ने मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अजय सर, ये सवाल आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1 साल की जर्नी को कैसे डिफाइन की जाए। देखिए, हमने जो वहां पे हमने सेमिनार हॉल के अंदर हमने जब हमारे जो चिकित्सक जो आए थे, जब उनको हमने बताया कि हमने क्लिनिकल डाटा के रूप में हमने कैंसर के अलावा हमने किडनी डिसीज पे हमने काम किया है, स्किन डिसीज पे काम किया है, लंग्स में काम किया, और सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रेन की जो डिसीज है उस पर भी हमने क्लिनिकल डाटा प्रस्तुत किया है। तो हमारे डॉक्टर आशीष हार्डिया, उन्होंने सब चीजों को डिस्क्राइब किया कि पेशेंट जब एडमिट हुआ उस समय उसकी इन्वेस्टिगेशन ये थी, और हमारे यहाँ एडमिट 7 दिन रहने के बाद में फिर हमने उसको टेस्ट कराया तो उसमें ये चेंजेस आए। ऐसे भी हमने डाटा सबमिट किया है, उनको बताया है कि एक मेटास्टेटिस का पेशेंट जो आया है वो मेटास्टेटिस में है, और वो हमारा 4 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद वो ठीक हो गया। तो इसोफेगस कैंसर के अंदर, ब्रेन ट्यूमर के अंदर, ब्रेस्ट और भी बहुत सारे डिसीज के अंदर हमारे पेशेंट जो मेटास्टेटिस वाले हैं वो क्योर हो रहे हैं। तो वो सब डाटा जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि वो भी जुड़े हुए हैं कि ये जानते हैं कि मेटास्टेटिस का केस ठीक नहीं होता है, परंतु हमारे यहाँ केस ठीक हो रहे हैं, तो ये सब चीज जानकर उन्हें बहुत खुशी हुई। ओके, अजय सर, यहाँ पे एक सवाल मैं और ले लेता हूँ, इसी से जुड़ा हुआ है। जब सेमिनार का आयोजन की जब हम जिक्र करते हैं या फिर जब कभी भी प्लान करते हैं, तो आपके जहन में क्या चलता होता है? जो हमारे सामने जो एक व्यूअर है जो मेडिकल क्लास का नहीं है, वो एक वो तबका जो ईएचपी का है वो, या फिर वाकई एक जरूरत दिख रही है जो एजुकेशन लैकिंग है इस ईएचपी सिस्टम में? एजुकेशन लैकिंग तो बहुत बड़ी लैकिंग है। एजुकेशन आज हम देखेंगे पूरे देश में क्वालिटी एजुकेशन देने वाले संस्थान हमें दिखते ही नहीं है। ऐसे संस्थान, ऐसे जो बोर्ड हैं जो पिछले 40 सालों से 50 सालों से काम कर रहे हैं, परंतु हम देखते हैं कि उनका एक भी ऐसा क्वालिटी वाला संस्थान नहीं है जहां पर प्रॉपर कोई ट्रेनिंग दी जा रही हो। तो यही सबसे बड़ी लैकिंग है कि हम स्टूडेंट को हम सर्टिफिकेट इश्यू कर देते हैं, परंतु वो जो फील्ड में जो प्रैक्टिस करने जाते हैं तो उनके पास क्लिनिकल और ये सब चीजें नहीं होती है। तो यही क्वालिटी एजुकेशन देने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने सेमिनार रखा है कि हमारे जो डॉक्टर को हम जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उन्हें हम क्वालिटी एजुकेशन दें। जब एक बार हमको क्वालिटी उनको रिफ्रेश कोर्स हम कर देंगे और क्लिनिकल हम एविडेंस दे देंगे, उनको क्लिनिकली पेशेंट ठीक होते हुए दिखा देंगे, तो 100% वो अपने क्षेत्र में जाके उतना ही अच्छा काम करेंगे। और जैसा एक देवेलिया हॉस्पिटल इंदौर में चल रहा है, वैसा ही पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों संस्थाएं जब खुल जाएंगी तो लाखों मरीज इस सिस्टम से ठीक होंगे, तो निश्चित एक दिन हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। और सरकार को मजबूरी में हमें मान्यता देना होगी। अभी हम मान्यता के लिए सरकार से भीख मांग रहे हैं। हम भीख क्यों मांगे? हम सक्षम हैं। हम जब सक्षम हैं तो हम अपने काम करके और सरकार को हम बोलेंगे कि हमें मान्यता दो। और हम तो ये भी ये सोचते हैं, समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उस कामों के अंदर आने वाले 2-3 साल में सरकार हमें खुद बुला के हमें मान्यता देगी, क्योंकि हम ऐसे कैंसर जैसे सर्जरी पे काम कर रहे हैं जहां पर हमारा मेडिकल साइंस फेल है। और हम उस स्थिति में
जहाँ पे मॉर्फिन और पैथिडीन भी दर्द को खत्म नहीं करती है, हम दर्द उसका खत्म करते हैं, उसकी पेशेंट की जो लाइफ है वो उसको हम प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, और पेशेंट को जब शांति मिलती है तो निश्चित ही उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो ये अभी भी मॉडर्न साइंस इस समय फेल है और वही हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही एक दिन हमें सरकार खुद हमारे कामों को देखेगी और देख भी रही है, और सरकार हमें निश्चित मान्यता देगी।